दुष्यंत चौताला वेरी ब्रीफली ओनली टू मिनट्स प्लीज टू टेक। धन्यवाद सभापति महोदय, आज आपने इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि आज जरूरत है कि हम पेट्रोलियम और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति गंभीरता से चर्चा भी करें। और जहाँ इस इंस्टीट्यूट के सेटअप होने की बात आ रही है, मैं एक सुझाव मंत्री जी को देना चाहूँगा, क्योंकि हम एक वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं ओनली फॉर पेट्रोलियम। हमारे प्रधानमंत्री पेरिस गए थे और प्रकाश जावड़ेकर जी उस समय एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, इनने वहाँ जाकर कोपा की एक एग्रीमेंट भी साइन करी थी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति। अगर हम इसी इंस्टीट्यूट को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर पेट्रोलियम एंड रिन्यूएबल एनर्जी करते तो शायद कहीं ना कहीं वो सारे एस्पेक्ट्स भी कवर होते। माननीय मंत्री जी इस बिल के माध्यम से बताते, लगभग 1000 करोड़ का इस पर खर्चा आएगा इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए। क्यों नहीं जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं जो इस इंस्टीट्यूट के बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी उससे अपने आप को और डेवलप करने का काम करेगी, क्यों नहीं उनका हिस्सा भी हम इस इंस्टीट्यूट में डलवाने का काम करें। क्यों बारी बारी एक नेशनल इंस्टीट्यूट हम जब बनाते हैं इंपॉर्टेंस का, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 1000 करोड़ रुपए डलवाना पड़ता है। आज हमारे पास SR है, रिलायंस है, प्राइवेट कंपनीज हैं, क्यों नहीं उन कंपनीज के CSR के भी फंड्स को हम डाइवर्ट कर, चाहे वहाँ बिल्डिंग बनानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी हो, कोई रिसर्च होनी हो, उसके लिए पैसा डाइवर्ट करें, जिसके माध्यम से वो जो टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे देश में लगने का काम। हजारों बच्चे इस इंस्टीट्यूट से डेवलप होकर जाएंगे, मगर आज भी हम देखते हैं पेट्रोलियम के ऊपर जो बच्चे रिसर्च करते हैं वो एजुकेशन तो शायद हमारे इंस्टीट्यूट से लेते हैं, मगर इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेने के बाद हम कतर हो, दुबई हो, US हो, ऐसी कंट्रीज जहाँ ऑल एक्सपीडिशन बड़ी तादाद में होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभापति महोदय हमें एक सीमा बांधनी पड़ेगी कि जो इन इंस्टीट्यूट से पढ़कर बच्चा निकलेगा कम से कम उसको 5 साल, सभापति महोदय जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, 5 साल हमारे